हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। और यहाँ पे चल रहा है हाउस क्लीनिंग, बट फोन भी आ गया था। तो बात करते करते ना, मैं हमेशा काम करती रहती हूँ, ऐसा नहीं कि बैठ के बात करना। काफ़ी सारे मुझे दोस्त बोलते हैं कि ये मेरा काम अटक गया है यहाँ पे बात करते करते, और मम्मी के साथ बात करूँगी, मम्मी भी वही बोलेगी। बट मैं ऐसे करती हूँ, बात करती हूँ, काम करती हूँ, तो मेरा दो दो काम हो जाता है। दूसरों का क्यों नहीं होता है? कोई कोई ऐसे करते हो तो मुझे बताना ज़रूर। ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं कि बस बैठ के बात करो। तो यहाँ पे हो रहा है हाउस क्लीनिंग, जो मैं ये नीचे का क्लीनिंग तो मैं करती थी। आज मुझे ना सुबह का खिलौना का थोड़ा सा असेंबल करना था, जो बहुत बिखरा हुआ है। 2 महीने से मैं उसको नहीं देखा है कि क्या रखा है क्या नहीं, और बहुत डस्ट भी हो गया था वो साइड डोर के पीछे ना, सुबह का सारा खिलौना है वो डस्ट हुआ था। तो उसी को ही मैं सेट कर रही हूँ। सो फ्रेंड्स, ये है सुब्बू का एरिया, जो उसका सारा खिलौना है और क्या है, स्पोर्ट्स का भी जो रखता है ना वो भी है। तो ये इसको ना मैं हर साल सजाती हूँ, बट ये हमेशा ना भरा हुआ हो जाता है। सो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। अभी हुआ है 11:30 सुबह का, अभी क्लास खत्म हुआ और मैं जैसे हमेशा ना उसका वीडियो ऑफ करके क्लास अटेंड करती हूँ। आज मैं सुबह का कुछ सामान है जो हटाने वाली हूँ, हटाना भी जरूरी है। काफी सारे चीजें हैं यहाँ पे जो वो यूज नहीं करता है, टूटा फूटा हुए फिर भी वो ला के रखता है। बच्चों का आदत ऐसा होता है और हम लोगों का आदत ऐसा है कि हम वो चीज लेके फिर से निकाल देते हैं। वो आएगा तो फिर से ढूंढेगा, फिर से ढूंढ रहा था कि मम्मा मेरा ये कहाँ गया, मम्मा मेरा वो कहाँ गया। ऐसे इंसान अपने कामों में ना इतना बिजी हो जाता है कि खुद के लिए वो टाइम नहीं निकलता है। तो घर में मेरा बहुत सारे सामान है, कि ऐसा नहीं कि कोई सामान नहीं है, बहुत सारे सामान है। अभी जैसे मैं आप लोगों को दिखाई मैट, जब उनका मन होता है तो वो करते हैं, और टाइम की कमी की वजह से ना वो कुछ नहीं कर पाते। तो मैं जाती हूँ, इसको पहले ना सेट कर लेती हूँ कि क्या क्या निकालना है, क्या करना है। मेरी एक गंदी आदत है कि मैं भी शुरू से कोई भी सामान डायरेक्ट नहीं फेंक पाती हूँ। मैं हर चीज को ना ऐसे रखती हूँ, देखोगे जो मैं बनाती थी क्राफ्ट वगैरह, तो उसके लिए ना मैं काफी सारे सामान ना रखा है कि मुझे यूज में आएगा। ऐसे रखते रखते वो रह जाता है, मैं उसको यूज भी नहीं कर पा रही हूँ। बट अभी तो सुबह स्कूल जा रहे हैं, तो मेरे पास ना काफी सारे टाइम है, तो मुझे भी एक ऐसे बोलो कि इंटरेस्ट आ रहा है कि मैं मेरी काम में भी जुड़ जाऊंगी। अभी अभी जो मेरा काम था, जो मैं बहुत मन से कर रही थी, वो सारा काम मैं फिर से कर पाऊंगी। तो यहाँ पे ना एक छिपकली भी है, ठीक है। हर रोज नाइट को मैं जैसे आप लोगों को यहाँ पे दिखाई थी ना, एक छिपकली यहाँ से निकलता है, तो वो ये ढबल के नीचे नहीं तो वहां पे कहीं पे भी होएगा। तो चले मैं धीरे धीरे करके ये सारे सामान को हटाती हूँ, चेक करती हूँ और सेट करती हूँ। मुझे खाली बैठना पसंद नहीं है, और जैसे ये दोनों ऐसे मॉर्निंग में चले जाते हैं तो मैं कुछ ना कुछ घर में करती रहती हूँ। तो ये मेरी पुरानी हैबिट है, और अनमैरिड में मैं ऐसे ही थी। मैं खाली कभी नहीं बैठूंगी, बहुत सारे ट्यूशन करती थी, बहुत सारे चीज़ भी करती थी घर में बैठे बैठे, जो आगे जाकर भी बताऊंगी। थी मैंने बनाई थी उसका तीर बाण, उसका सामान जब भी मैं अरेंज करूँगी ना, मेरा काफ़ी किचन का सामान निकलता है उसके अंदर से। कोई स्पून लेके जाएगा, कुछ प्लेट, कभी कढ़ाई, सब कुछ वो लेके चला जाता है। मम्मा ये यूज़ नहीं करती हो, मैं ले लूँ, ऐसा है। उसका सारा सामान ना ऐसे 2 दिन यूज़ करेगा, उसके बाद उसको फेंक देगा कि नहीं चाहिए, और वो ख़राब करके ही फेंकेगा कि मैं भी उसको यूज़ नहीं कर पाऊँगी। तो इसी वजह से थोड़ा थोड़ा सो होता है, और बच्चा है तो हो जाता है ऐसा, और क्या बोले। तो यहाँ पे मुझे कुछ भी क्लीन नहीं करना था, बस डस्ट
हुआ था उसको मैं क्लीन कर रही हूँ और सब कुछ ठीक है। सो फ्रेंड्स, मैं नहा धो के आ चुकी हूँ, घर का क्लीनिंग भी हो गया है और यहाँ पे ना नमाज भी स्टार्ट हो गया है। मुझे टाइम की पता नहीं है कि कितना बचा है, बट मुझे लग रहा है ना भूख, ठीक है, तो मैं कुछ खाऊंगी, खाने के बाद कुछ काम है जो करना है। मुझे बहुत जन ने बोले हैं कि ऐसे झाड़ने से ना टॉवल से बाल खराब होता है, बट मुझे ना ये अच्छा लग रहा है कि जो गीलापन है ना थोड़ा सा ड्राई हो जाता है और बाल आपका ना सेपरेट सेपरेट भी हो जाता है, जो उलझन है ना वो ऑटोमेटिक निकल जाता है। तो इसीलिए मुझे थोड़े टाइम के लिए, इतना ज़ोर से भी नहीं झाड़ती, मैं बहुत ही हल्के से झाड़ती हूँ, और हाउस क्लीन हो गया है। चलिए मैं आप लोगों ना दिखाती हूँ कि क्या क्या। सो फ्रेंड्स, मुझे कॉल आ गया, तो काफ़ी टाइम तक हम दोनों ने बात की है, एक फ्रेंड का कॉल था वो, और मुझे भूख लगी तो मैंने खाना भी खा लिया था। इसी बीच अभी हो गया है 2:30, मशीन लगाया है यहाँ पे, काफ़ी सारा कपड़ा हो गया था तो मैंने मशीन लगाया है। और चलिए मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कैसे अरेंज किया है मैंने घर को। ज़्यादा कुछ भी नहीं किया है, बस सामान थोड़ा सा सजा के रखा है कि घर थोड़ा सा अच्छा हो जाए, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने कुछ भी नहीं किया था, नहीं हुआ था, क्योंकि सुबह घर में था तो मुझसे कोई काम नहीं हो रहा था, मैं हर टाइम उसके पीछे ही थी और जब मुझे टाइम मिलता था तो मैं मेरे लिए निकालती थी ये है। तो चलिए ज़्यादा लॉन्ग नहीं करूँगी, मैं आप लोगों को थोड़ी बहुत दिखा देती हूँ कि कैसा है। यहाँ पे मेरा ट्राइपॉड है और ये टेबल को मैंने हाथ नहीं लगाया है, और ये जो मिकी माउस है ना, सॉरी रैबिट है, ये वहाँ से निकल गया तो इसको मुझे फिर से चिपकाना है, देखते हैं क्या करेंगे। और ये टेबल है जिसमें सारा सामान है, करण का ड्रेस निकल के आया है जो मुझे अभी प्रेस करना है, तो वीडियो ख़त्म करके ही मैं जाऊँगी मेरा काम करने। बेड जो रेगुलर में जैसे बेड सेट करती हूँ ना वैसे ही है, पिन लगा के, जो मेरा 4 दिन के लिए बेड सेट होके रहता है, मैं 4 दिन एवरी 4 डे या 3 डे में कवर चेंज करती हूँ। तो वहाँ पे मेरा मेडिसिन बॉक्स है और सुबह का जो ये बोर्ड को मैंने क्लीन नहीं किया है उसको क्लीन करना है। ये है फैन, जो अभी गर्मी का सीजन है, गर्मी बहुत हो रहा है, नाइट में हमें इसको लगाना होता है, और ये भी थोड़ा सा ना कचड़ा हुआ है, मीन्स डस्ट हो गया है, मुझे इसको साफ करना है, बट अभी नहीं, बाद में करूँगी। और सुबह का सारा खिलौना ना मैं हाथ भी नहीं लगाया, क्योंकि बीच में मैं छाटा था, ऐसा भी कुछ खिलौना टूटा हुआ नहीं मिला, सारा यूजेबल है, तो ये वैसे ही वैसे हैं, बस सजा दिया जो बिखरा हुआ था। और एक चीज़ चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, यहाँ पे ना झाड़ू लगाना है, इसको मैं जस्ट डस्टिंग किया है। यहाँ पे ये जहाज है जो सुबह के मामा जी ने दिया था उसको, और इसको ना आपको असेंबल करके रखना होता है, ये सारा पार्ट पार्ट होके आपको मिलता है, आप इसको ना अरेंज करते हो। यहाँ पे एक लैडर होएगा जो अभी हमने नहीं बनाया वो है, देखिए अच्छा लग रहा है ना। और हाँ, मुझे आप लोगों ये दिखाना है, जो काफ़ी सारे फ्रेंड ने मुझे बोले कि आप ना ये ले लो, रैक ले लो कुछ ऐसे ऐसे, बट मुझे नहीं हो पाएगा, तो इसको मैं यहाँ पे रखा है। यहाँ पे सारा सामान था, जो थोड़ा बहुत मेडिसिन हमें रेगुलर लगता है, ये नाइट में हम लेते हैं, सुबह को सर्दी था बीच में तो सर्दी का मेडिसिन है, सैनिटाइजर है, और हम दोनों का गॉगल्स है यहाँ पे, और ये गाड़ी का कुछ पेपर है, सारा चीज़ ऐसे ऐसे जो छोटा मोटा सा चीज़ होता है ना वो यहाँ पे मैंने रखा है। नीचे बस डस्टिंग किया है, नीचे का सामान को मैंने हाथ भी नहीं लगाया क्योंकि इतना टाइम मेरे पास नहीं था। हर एक चीज़ के लिए हम बस खरीद के वो चीज़ को हम सेट करते हैं, वो पॉसिबल नहीं होता है, हर किसी के साथ पॉसिबल नहीं होता है, टाइम लगता है हर एक चीज़ करने के लिए, टाइम लगता है। और हम जैसे शिफ्टिंग करते हैं इधर से उधर, तो ये घर को देख के अगर मैं कुछ सामान खरीदती हूँ तो दूसरे घर कैसा आएगा, वहाँ पे सामान सेट हो पाएगा नहीं हो पाएगा। बहुत सारे सामान है जो मेरे दूसरे घर से ये घर में आने के बाद वो
अनयूज होके वैसे ही पड़ा है, तो इसीलिए हम ज्यादा सामान नहीं करते जो रेगुलर चीजों में लगता है। और ये ऐसे बॉक्स में बना देती हूँ, डब्बे जो हमारा पार्सल आता है या कुछ भी, तो मैं ऐसे डब्बे में सामान सेट करके रखना पसंद करती हूँ। कि ये ऐसे मैं अभी ना ओपनली रखा है, इसी वजह से ना ये थोड़ा सा और लगेगा, जो भी आएगा देखेगा ना उसको और लगेगा। अगर मैं इसको अरेंज कर दूंगी और थोड़ा सा डेकोरेट कर दूंगी तो ये भी अच्छा लगेगा। सामान को बस आपको सजाना है, ऐसा नहीं कि उस सामान को रखने के लिए हमें रैक चाहिए या कुछ भी। परचेस करके हम हर एक चीज अगर करने लगे तो नहीं आएगा। एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए ना ये तो पॉसिबल नहीं है, मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है, किसी के लिए होएगा मुझे नहीं पता। और मैं प्रीफर करती हूँ ऐसे ऐसे। और बस यही चीज आप लोगों को दिखाना था कि मैं काफी सारे जगह में डब्बे करके सामान रखा है, जो मुझे कमेंट मिलता है कि आप एक रैक ले लो, वहां पे आप सेट करके रख सकते हो, बट रैक को मैं कहाँ पे रखूंगी। ठीक है, ये छोटे छोटे से डब्बे हो जाता है ना, आपको इतना नहीं सोचना पड़ता कि इसको मैं कहाँ पे रखूं। एक दो तीन स्लैब का रैक ले आऊंगी तो इसको मैं कहाँ पे रखूंगी। तो वो डब्बे से यूज हो गया कि सुबह का जो अभी बोर्ड में लिखता है पेन वगैरह, उसका कुछ पेंसिल वहां पे है, और कुछ मेडिसिन जो हमें नाइट में लगता है बाम वगैरह वो भी वहां पे है, और यहाँ पे ऐसे ही। तो ये सारी चीजों को मैं पसंद करती हूँ कि ऐसे ऐसे काम जो हो जाता है ना, जो मैं काम चल जाता है तो इसमें मनी वेस्ट करके कोई फायदा नहीं, तो मुझे ये अच्छा लगता है तो मैं ऐसे कर लेती हूँ। और पसंद भी आएगा अगर हम रैक लेंगे और उसमें सामान सेट करेंगे तो और भी सुंदर लगेगा, बट मनी वेस्टेज होता है, मेरे ख्याल से मनी वेस्टेज होता है। अगर वो सामान मुझे नेक्स्ट घर में ट्रांसफर होने के बाद नेक्स्ट घर में यूज नहीं आया तो वो ऐसे ही पड़ा हुआ। बहुत सारे ऐसे नहीं कि एक दो सामान है, बहुत सारे सामान है जो मेरा अनयूज होके ऐसे ही रखा हुआ है। वो जो घर था पुराना घर, वो डबल बेडरूम था, ये सिंगल बेडरूम तो होता है। एक परमानेंट घर हमारा नहीं कि हम उसी हिसाब से काम कर ले तो ये सारे सामान को लेके हम रख देंगे तो वो यूज में आ जाएगा, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो चलिए ये ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। होप सो आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, आया है तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट में जरूर बताएं मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक है कि नहीं। मेरे ख्याल से मेरे घर को देख के ये सही लगा तो मैं ऐसे ही करती हूँ, हर जगह एक एक डब्बा रख देती हूँ, जो सामान सामान की तरह रह जाता है और चीजें बिखरता भी नहीं। और यहाँ पे काफी सारी चीजें ऐसे बिखरा हो गई गिरा था तो मुझे लगा कि यहाँ पे एक छोटा सा डब्बा रखती हूँ जो चीजें कवर होके रह जाए और सुंदर भी लगे। इसको मुझे डेकोरेट करना है, टाइम मिलेगा तो इसको मैं डेकोरेट कर दूंगी, आप लोगों के साथ भी जरूर शेयर करूंगी। बाय।